डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते होंगे, क्लास टेंथ में हम लोग साइंस जो है अभी पढ़ रहे हैं मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को। और इस चैप्टर में हम लोगों ने पूरे तरीके से थ्योरी वाले सेक्शंस को पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी बुक से कुछ प्रश्न को करते हैं। जैसे कि हम लोग का पीछे जो एनसीईआरटी बुक्स में पीछे प्रश्न दिया हुआ रहता है, उस प्रश्न को हम लोग करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले आप लिख लो क्वेश्चंस को फिर हम समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है ऐसा हो पाने का कारण है। पहला ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी है समंजन। तीसरा ऑप्शन है निकट दृष्टिता। और चौथा ऑप्शन है दीर्घ दृष्टिता। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन तो आप नोट डाउन कर लिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देते हैं आपको, फिर क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि मानव नेत्र में एक नेत्र लेंस लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग पता है कौन से क्या बोलते हैं, उसको उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है, उसको अभिनेत्र लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मानव नेत्र में एक नेत्र लेंस लगा रहता है जिसको बोल सकते हैं अभिनेत्र लेंस, और उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस का बोल रहा है कि फोकस दूरी अपने आप से समायोजित होता है, यानी कि फोकस दूरी अपने आप से बदलता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद है ना, हम लोग पढ़े थे समंजन क्षमता के बारे में। समंजन क्षमता अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता है जो अपने आप अपने फोकस दूरी को समायोजित कर रहा है। मतलब कि अगर दूर की वस्तु को देखना है या नज़दीक की वस्तु को देखना है, तो अपने हिसाब से अपने फोकस दूरी को क्या कर लेता है, फिक्स कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी। तो चार को ऑप्शन दिया था, इसमें सवाल बोल रहा था कि मानव नेत्र में जो अभिनेत्र लेंस होता है वो फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर जो वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, समंजन के कारण, समंजन क्षमता, उसी को ना हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसको लिख लिया जाए पहले। क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। अब क्या है वह? तो पहला ऑप्शन लिखिए, पहला ऑप्शन है कॉर्निया। दूसरा ऑप्शन में लिखा है परितारिका। और सी नंबर ऑप्शन में है पुतली। और डी ऑप्शन में है दृष्टिपटल। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है भाई, आप एकदम याद कर लो कि मानव नेत्र के भाग होते हैं ना, जैसे परितारिका हो गया, कॉर्निया हो गया, पुतली हो गया, दृष्टिपटल हो गया, है ना, काचाभद्रव हो गया, अभिनेत्र लेंस हो गया, ये सब क्या है? तो मानव नेत्र के भाग हैं। जब मानव नेत्र का हम आपको फिगर भी बनवाए होंगे
तो यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर अवस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या है या वह कौन सा भाग है। तो याद रखिएगा, हम बताए होंगे कि मानव नेत्र के एक भाग है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है दृष्टि पटल। याद रखिएगा क्या नाम है, दृष्टि पटल। यही भाग पर किसी भी वस्तु को हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो ये इसी जगह पर प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद कीजिए, रेटिना भी हो सकता है, दृष्टि पटल, क्योंकि दोनों एक ही है, एक ही स्थान है लेकिन नाम अलग-अलग है। रेटिना भी बोल सकते हैं, दृष्टि पटल। तो यहाँ पे बोल रहा था कि किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो राइट आंसर दृष्टि पटल, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, कॉमा लगभग होती है, लगभग। लगभग के बाद ऑप्शन दिया है, देख लो। पहला है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है भाई 25 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है 2.5 मीटर। तो याद कर लीजिए, ये सभी जो भी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन को याद कर लो ना, साइंस में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ये पूछता है कि जो सामान्य दृष्टि के लिए मानव नेत्र का अल्पतम दूरी कितना है, या निकटतम दूरी क्या है। तो हम आपको बताए हैं जब पढ़ा रहे थे कि किसी भी मानव नेत्र का निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी अनंत होता है, यानी कि हम लोग अच्छा से कितना हम लोगों को अगर सामान्य दृष्टि यानी कि सुस्पष्ट के लिए अल्पतम दूरी यानी कि इसको न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनंत दूरी सॉरी अधिकतम दूरी अनंत होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा अल्पतम दूरी, तो कितने लोग समझे सर अल्पतम नहीं बताए हैं, तो अल्पतम का मतलब ही हुआ कि न्यूनतम दूरी है ना। तो देख लीजिए कैसे क्वेश्चन फंसाया है ऑप्शन देकर, 25 मीटर। तो अब जो कोई आदमी हड़बड़ में है, कोई स्टूडेंट एग्जाम में हड़बड़ कर दिया, 25 मीटर मार दिया, दोस्त मीटर और सेंटीमीटर में अंतर है। याद रखिएगा कि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल याद रखिएगा कि हम लोगों का अल्पतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले उस क्वेश्चन को लिख लिया जाए। लिखा जाए क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किया जाता है। अब किसके द्वारा किया जाता है, तो पहला ऑप्शन लिख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन है पुतली द्वारा, बी ऑप्शन दृष्टि पटल द्वारा, और सी ऑप्शन है पछमाभि द्वारा द्वारा और डी ऑप्शन है परितारिका द्वारा, परिकार का द्वारा। सबसे पहले आप चीजों को समझिए। जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था कि आखिर जो अभिनेत्र लेंस होता है, मानव के नेत्र में जो अभिनेत्र लेंस होता है वह अपना फोकस दूरी को खुद से समायोजित कर लेता है। समायोजित का मतलब बढ़ा घटा लेता है। इस प्रक्रिया को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, किसी व्यक्ति के अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो परिवर्तन कौन करता है। तो याद रखिएगा, परिवर्तन करती है सिलियरी मांसपेशियां। यही क्या करती है ना कि लेंस को टांगे रहती है। जब हम लोगों का लेंस होता है ना आंख में लेंस, तो याद रखिए ये ऐसे करके ना
टांगे रहती है उत्तल लेंस को, ठीक है। अब ये अगर मान लिया कि इसमें तनाव होता है तो इसको पतला करती है लेंस को, तो ये कौन करता है काम, तो सिलियरी मांसपेशियाँ। इसी को एक और नाम से जाना जाता है पच्छमाभि, याद रहेगा, ये बिल्कुल याद रखना कि जो अभिनेत्र लेंस होता है उसके साइज में परिवर्तन या फिर फोकस दूरी में परिवर्तन जो किया जाता है वो करता कौन है, तो याद रखिएगा सिलियरी मांसपेशिया या पच्छमाभि द्वारा ये करता है, लेकिन ये करने की जो प्रक्रिया है ये कहलाता है समंजन क्षमता, या मतलब उसकी ताकत, उसकी शक्ति जिसके द्वारा वह कर रहा है तब उसको समंजन क्षमता कहेंगे। तो ये बातें बिल्कुल याद रखिएगा कि पच्छमाभि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है, पूर्ण विराम, अपने निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर, याद रखिएगा लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है डायोप्टर, +1.5 डायोप्टर के लेंस की आवश्यकता है पूर्ण विराम संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या है, ठीक है। अब इसमें भी ए नंबर क्वेश्चन है उसके नीचे और बी नंबर क्वेश्चन है। ए नंबर लिखा हुआ है दूर दृष्टि के लिए, ए नंबर में लिख लीजिए दूर दृष्टि के लिए, और बी नंबर में है निकट दृष्टि के लिए, है ना। चलिए इसका आंसर करते हैं, उत्तर में हम लोग ए के लिए बनाएंगे, तो ए का बोल रहा है दूर दृष्टि के लिए, तो यहां लिख दीजिए दूर दृष्टि के लिए। अब इसमें क्या है ना, देखिए क्वेश्चन में हम लोगों को दो गो क्षमता दिया है, एगो माइनस में 5.5 है, एगो प्लस में 1.5 डायोप्टर है। याद रखिएगा इसके लिए बोला है कि ये दूर के लिए है, दूर के लिए कितना क्षमता दिया है -5.5, और ये निकट के लिए दिया है 1.5 प्लस में डायोप्टर दिया है। तो यहाँ पे लिखिएगा दूर दृष्टि के लिए दिया है कितना दिया है, तो लेंस की क्षमता यानी कि पी का मान कितना दिया है -5.5 डायोप्टर, ठीक है, पी का वैल्यू दिया है। अब पी का फार्मूला क्या होता है, चूंकि पी का फार्मूला होता है 1/f, ठीक है, तो अब पी के जगह पे कितना रख दीजिएगा आप, -5.5, ठीक है, = 1/f। अब इसके नीचे भी तो हम खुद से एक लगा सकते हैं, यानी कि फोकस दूरी दोनों के लिए निकालना है, दूर दृष्टि के लिए भी फोकस निकाल देना है और निकट के लिए भी, तो हम दूर दृष्टि के लिए करके दिखा रहे हैं, पी का वैल्यू माइनस में था
तो माइनस में रखेंगे, इसका वैल्यू -5.5, और तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, -5.5 और f गुण बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे 1, इसलिए f का वैल्यू क्या होगा तो 1 बटा -5.5, और ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर एगो जीरो जाएगा, यानी कि -10/55, और 5 से कटेगा 11/55, 5 × 2 = 10, इसलिए यहाँ पे f का वैल्यू आ जाएगा माइनस, और ये अगर कटेगा भी तो 0.18 ऐसे समथिंग आएगा ना, हाँ 1.8 समथिंग आएगा, इतना मीटर आंसर हो जाएगा। तो जिस तरीके से हम दूर के लिए निकाले हैं, दूर दृष्टि के लिए जैसे p का वैल्यू अब की बार वैसे ही लिखिएगा b नंबर, क्योंकि इसमें दो सवाल है, b नंबर लिख कर देखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। इसके लिए p का मान कितना रखिएगा, +1.5 डायोप्टर, और वही फार्मूला यही ना होता है लेंस की क्षमता का फार्मूला, p बराबर 1/f, तो p के जगह पे प्लस में रखिएगा 1.5, और फिर f उसके लिए निकालिएगा जितना आएगा तो उसका आंसर हो जाएगा। ये भी दूर दृष्टि के लिए फोकस निकला है, तो एक और आंसर बी जो है आपको खुद से उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।